कंट्रोवर्सी तो होगी, ट्रोलिंग होगी। बिग बॉस OTT3 शुरुआत से ही विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। शो में पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दो पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के साथ पहुंचे हैं, जिनका अब काफी विरोध किया जा रहा है। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने भी उनकी एंट्री पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब अपने अतरंगे फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद ने अरमान मलिक का सपोर्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि उर्फी जावेद ने क्या कहा है। दरअसल उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अरमान मलिक और उनकी दो बीवियों की एक फोटो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने मलिक फैमिली को सपोर्ट किया। उर्फी जावेद ने लिखा कि मैं इस परिवार को पिछले काफी वक्त से जानती हूं, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं अब तक जितने लोगों से मिली हूं उनमें से ये सबसे अच्छे लोग हैं। अगर ये तीनों एक साथ खुश हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले। दो शादियों की प्रथा काफी पुरानी है और आज भी कई धर्मों में होती है, इसलिए उन तीनों को कोई दिक्कत नहीं तो हम कोई नहीं होते कुछ भी बोलने वाले। वहीं इससे पहले साथ निभाना साथिया फेम देवोलीना भट्टाचार्य शो में अरमान मलिक की एंट्री को लेकर बिग बॉस पर भड़कती हुई नजर आई थी। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्हें शो में रखना पड़ा। देवोलीना भट्टाचार्य ने इन तीनों के खिलाफ पोस्ट किया था और लिखा था कि आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, आप इसे हल्के में मत लो क्योंकि ये रियल नहीं बल्कि रियल है। मेरा मतलब कोई कैसे इसे शेमलेस एंटरटेनमेंट कह सकता है। मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आया कि मतलब 6-7 दिन में प्यार हुआ, शादी हुई और उसके बाद पत्नी की दोस्त के साथ ऐसा दोबारा हुआ, ये तो सोच से भी ऊपर है। देवोलीना ने आगे लिखा कि बिग बॉस आपको क्या हुआ है, क्या इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आपको ये दो शादी वाली चीज एंटरटेनमेंट लग रही है। जब आपने इन कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो आप क्या सोच रहे थे, आप नई जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हो कि वो दो तीन शादी कर सकते हैं और फिर सब साथ में खुश रह सकते हैं। जाओ और जाकर उनसे पूछो जो इससे सफर करते हैं। यही वजह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट और UCC जरूरी है। सोचिए अगर पत्नी भी दो पति रखे तो क्या आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नव भारत टाइम्स।